हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सब सही हो। तो दोस्तों, आज होली कब है? 2 दिन बाद होली है और आज हो रही है गुजिया की तैयारी। हम लोग बनाने जा रहे हैं गुजिया। तो गुजिया के लिए जो सामान तैयार हो रखा है, तो दोस्तों जो गुजिया के लिए जरूरी चीज़ें हैं वो ये है। ये क्या है? किशमिश। ये है काजू, ये बादाम, सौंफ, और ये है चिरौंजी। चिरौंजी है, चिरौंजी। ये गोला है नारियल, और ये सूजी है जो हमने भून दिया है। और इसमें क्या है? इसमें क्या है? इसमें भी कुछ रखा है, बुरादा है चीनी का। तो ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद इसका मिक्सर बनता है। मिक्सर ये बन गया। इसको सूजी को भून के और ये सब जो चीज़ें मैंने आपको बताई सब मिक्स करके काट के अच्छी तरह छोटे छोटे टुकड़े करके ड्राई फ्रूट होते हैं सारे, इनको मिलाते हैं। और उसके बाद और एक चीज पड़ती है। कौन सी और एक चीज पड़ती है इसमें? कौन सी एक चीज में क्या है? खोया। खोया, खोया, खोया। एक चीज खोया भी है जो कि इसमें मिला दिया। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। मैंने आपको बताई है तो लोग अपनी अपनी तरह से बनाते हैं गुजिया। मतलब कोई किसी तरह से बनाता है, लेकिन हम इसी टाइप में बनाते हैं जो कि ये है। और अभी इसका मसाला अभी तो तैयार हो रहा है। अभी तो मैदा गूंदेंगे और मैदा गूंदने के बाद इसको जो फाइनल है इसका, अभी तो टाइम लगेगा इसको। मैदा गूंदेंगे, उसके बाद इसको मैदा को 15 मिनट रखेंगे गूंद के। उसके बाद जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो इसके बाद इसकी बनेगी गुजिया। तो दोस्तों, मैं मैदा गूंदने जा रहा हूँ। तो ये मैदा थोड़ा सा हार्ड होता है गूंदने में, तो इसमें हमने पहले डाल दिया तेल। तेल में पहले डाल चुका हूँ इसमें, और अब ये दूध, दूध भी डलता है इसमें। इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे पहले। शायद ये परात जो है छोटी हो गई है और ये मैदा हो गया ज्यादा। कोशिश करते हैं इसी में गोंदने की। तेल मैंने डाल रखा है इसमें, लेकिन तेल दिख नहीं रहा कहीं भी। अब ये दूध भी डालना है इसके बाद इसमें, और उसके बाद इसको धीरे धीरे इसको ऐसे मिक्स करना ताकि ये मिक्स हो जाए सारा दूध और ये तेल। उसके बाद पानी डालना है। तो दोस्तों, ये मैदा गूंद के हो गया तैयार। ये है मैदा, और अब इसकी ये है उसका जिसपे गुजिया बनाते हैं, गुजिया मेकर बोलते हैं शायद इसको ये। और इसके अंदर इसको गुजिया का जो होता मसाला बेसन का बेल के बेसन के अंदर भर के इसमें रखते हैं।
और भी इसको गुजिया का शेप देते हैं। ये है मसाला जो कि बन गया, रेडी हो गया। और ये बेल रहे हैं अभी मैदा, ये बेल रहे हैं मैदा। और बेलने के बाद इसको, इसका जो मिक्सर बनाया था पहले मसाला, उसको भरेंगे कुछ इस तरह। और ये जो बनाने वाले हैं हमारे दो कलाकार, अरे देख ये, और ये किए हैं मैडम जी, बढ़िया ये देखो। हाँ, सही है। ये कैसे है रहा? दिखाना एक बार, दिखाना दिखाना। हाँ ये सही है, ऐसे बन रहे दोस्तों, ये कुछ ऐसे बनेंगे ये। तो दोस्तों मैं भी अब लग गया हूँ बनाने में, क्योंकि ज्यादा है हम ये, और ये दो ही है बनाने वाले, तो काफी टाइम लग रहा है। तो अब मैं बनाता हूँ इसको, ऐसे बेलेंगे ना। तो दोस्तों ये बन गई है गुजिया, अभी ये भरी है मसाला इस पे। और इसके बाद इसको तलेंगे और फिर निकालेंगे चाशनी में। तो फाइनली दोस्तों ये गुजिया तेल में है, डाल दिए हैं और कुछ निकल चुकी है तल के, कुछ इस तरह से हैं। बचपन में दोस्तों मतलब हम लोगों को बोलते थे कि अगर किचन में कभी भी कुछ ऐसे तेल की चीजें तल रहे हो तो शोर नहीं करना चाहिए, उससे तेल ज्यादा लगता है। इसीलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ। बचपन में जब भी हम किचन में जाते थे और मम्मी हमें यही बोलती थी कि शोर मत करो ना, तेल ज्यादा लग जाएगा। ये थक गए हैं गुजिया बनाते बनाते, ये नाक थक गया। ये भाई साहब बहुत मेहनती लड़का है, बहुत मेहनत करता है ये। ये हमारे साथ जब से लगा हुआ, जब से गुजिया बना रहे हैं हम लोग, और अभी थक गया, इसने हाथ खड़े कर दिए। तो दोस्तों ये गुजिया बन गई थी, पहली गुजिया जो कि निकली। और ये है कि हम लोग पहले जो चीज है पहले मंदिर में रखते हैं, ये मैंने मंदिर में रख दिया, उसके बाद टेस्ट करेंगे कैसे बनी है सबके। गर्म है अभी, हाँ बहुत अच्छी करारी। तो दोस्तों ये गुजिया बनाते बनाते रात के बज गए 11:30-12 के लगभग हो गया, काफी टाइम हो गया। और इस ब्लॉग को करते यहीं पे एंड। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को।